हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैट 2020 के रिवाइज रिजल्ट कब आने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को सूचना देने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट आज क्यों नहीं जारी किया गया, तो आप लोग बताना चाहेंगे कि कल आप लोगों को जो बैठक हुई थी, जिसमें आप लोगों को बैठक होने के बाद उसमें निर्णय लिया गया और साथ में जो रिजल्ट फिर से तैयार किया गया था, उस रिजल्ट को तैयार करने के बाद जो बोर्ड की बैठक थी उसमें उसको स्वीकार किया गया और उसमें बताया गया कि आप लोगों का कब रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए हम आप लोगों को पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोगों को पेपर कटिंग में दिया गया है कि आप लोगों को 3 दिन में जारी हो जाएगा रिजल्ट पैट का, यानी कि जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है उसे स्वीकार कर लिया गया है बोर्ड की बैठक में। जैसा कि आप लोग यहां देख भी सकते हैं, बोर्ड की जो इसमें बैठक हुई थी उसमें आप लोगों का रिजल्ट है संशोधित रिजल्ट, उसे स्वीकार किया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आप लोगों को यहाँ पर 3 दिनों के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन में जारी होगा पैट संशोधित, आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दिया गया है कि परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पैट 2020 के रिजल्ट पर चर्चा के बाद आप लोगों को बैठक की अध्यक्षता कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे के द्वारा किया गया था। और रिजल्ट 3 दिन के अंदर जारी करने के लिए यहाँ पर देखिए कहा गया है, और 3 दिन के अंदर आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी दिया गया संशोधित में 190 छात्रों का रिजल्ट जोड़ा गया है, यानी कि जो कैंडिडेट पहले पास आउट थे उसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, और 190 कैंडिडेट को और भी जोड़ दिया गया है। यानी कि पैट में 1100 छात्रों का रिजल्ट पहले जारी किया गया था, लेकिन गड़बड़ी सामने आने के बाद रिजल्ट को दूसरी एजेंसी के पास दोबारा जाँच के लिए भेजा गया था। 5 महीने के बाद विश्वविद्यालय संशोधित रिजल्ट जारी कर रहा है। और परीक्षा बोर्ड की बैठक में 9 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से सभी को पास कर दिया गया। बैठक में आप लोगों को जितने भी कैंडिडेट 190 कैंडिडेट को जोड़ा गया है उन सभी के रिजल्ट में गड़बड़ी थी और उन्हें भी सुधार कर उन्हें भी जोड़ दिया गया है, और उन सभी का रिजल्ट हो गया है। अब आप लोगों का रिजल्ट 3 दिनों के बाद जारी किया जाएगा, तो आप लोगों को बता देंगे किस प्रकार से आप लोग को चेक करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिहार बेस्ट का टेलीग्राम चैनल नीचे आप लोगों को दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।